बिहार के तरारी विधानसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार विशाल प्रशांत ने पीरो अनुमंडल कार्यालय में नामांकन किया। मौके पर बड़ी संख्या में एनडीए के नेता, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। नामांकन कार्यक्रम जनसभा का आयोजन स्थानीय पीरो उच्च विद्यालय मैदान में किया गया। बिहार में उपचुनाव की तैयारी के बीच लगातार सियासी सरगर्मी है। इस बीच प्रशांत किशोर की जन स्वराज ने अपना चौथा उम्मीदवार भी रामगढ़ से घोषित कर दिया है। बिहार विधानसभा उपचुनाव 2024 के लिए जन स्वराज के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती ने रामगढ़ से जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी सुशील कुशवाहा को बनाया है। श्री सुशील सिंह कुशवाहा। श्री कुशवाहा काफी लंबे समय से राजनीतिक कार्यों में लगे हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, रामगढ़ में रहते हैं और आप सब उनको अच्छी तरह जानते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे बाकी सारे चारों प्रत्याशियों ने भी अपना पूरा समर्थन उन्हें देना स्वीकार किया है। तो मैं चाहूंगा कि इस अनाउंसमेंट के बाद यहाँ की उम्मीदवारी पर लग रहे विभिन्न सवालों को विराम दिया जाए और हम सब मिलकर श्री कुशवाहा को विधानसभा। बिहार राज्य में आयोजित होने वाले एशियन वुमेन्स ट्रॉफी को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में महिला हॉकी गौरव यात्रा मंगलवार को जहानाबाद पहुंची। शहर के गांधी मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिले के डीएमएसपी ने इसका स्वागत किया। डीएम अलंकृता पांडे ने कहा कि यह हॉकी महिला गौरव यात्रा से जिले की महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी कि लड़कियां भी सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। चार राज्यों से पहले घूमती हुई हरियाणा, ये उड़ीसा, पंजाब और झारखंड से गुजरते हुए पूरे बिहार में घूम रही है। आज ये तीसरा चौथा पड़ाव है और जहानाबाद में। इसके बाद हम लोग नवादा जाएंगे। नवादा के बाद पूरे बिहार में 38 जो जिला है वहाँ हम लोग पूरे इस ट्रॉफी को लेकर के जाएंगे और लोगों में उत्साह का संचार करेंगे हम लोग। आज जो एशियन वुमेन्स ट्रॉफी राजगीर में आयोजित होनी है, हम सभी को पता है, उसी की ट्रॉफी गौरव यात्रा जो बिहार के सभी जिलों में चल रही है उसका आज जहानाबाद में कार्यक्रम था। तो टीम का स्वागत किया गया है और ट्रॉफी का अनावरण जहानाबाद जिले में किया गया है। आज के इस कार्यक्रम को मोटिवेशन के रूप में इस्तेमाल करते हुए हमने अपने जिले की कई बच्चियों को बेटी बचाओ एवं बेटी पढ़ाओ की स्कीम के अंतर्गत ट्रैक सूट भी दिए हैं, जिससे कि उनकी भी एक भूमिका बने खेल में हमारी बेटियां जहानाबाद की भी आगे आएं।